प्लांटर्स लिए थे जो मैंने अलग अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करे, ये सारे ही सारे बंजारा मार्केट के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपको बंजारा जाना हो और कभी अगर आपको लगता है कि मैंने कहाँ से कोई पौधे खरीदे हैं या कहाँ से कोई सामान खरीदा है और आप वैसा खरीदना चाहते हैं, तो काइंडली आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। और जरूर डेफिनेटली अगर मेरे से कोई हेल्प मिलती है तो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प भी करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डेकोर होम विद मेघा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहां बाग बगीचे में बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बारी आई है उन प्लांटर्स की जो मैंने रिसेंटली ही बंजारा मार्केट से खरीदे थे। तो मैंने सोचा दिन हो गए हैं उन प्लांटर्स को आए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इनमें विंटर प्लांट्स को लगाया जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से पौधे मैं लेके आई और किस तरीके से मैं प्लांटेशन का काम कर रही हूँ, और साथ के साथ उन प्लांटर्स को भी दिखाऊंगी जो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई हूँ, अब वो पौधे लगने के बाद कैसे लग रहे हैं। आई थी फ्रेंड्स में खाद, और ये है मिट्टी जो मैं बहुत दिनों से लगातार इकट्ठा कर रही थी। तो सबसे पहले बनाती हूँ मिट्टी और फिर उनको भरती हूँ गमलों में, उसके बाद लगाते हैं धीरे धीरे करके पौध। तो ये है मिट्टी फ्रेंड्स, अच्छी मिट्टी है, साफ सुथरी मिट्टी है। तो पहले तो इन सब मिट्टी को पहले थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर बनाती हूँ, जितने गमले भर जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से बनाऊंगी। मोटे मोटे डले हैं उनको भी फोड़ लेती हूँ और अब मिक्स करती हूँ उनके अंदर खाद। तो फ्रेंड्स, ये है खाद, पहले की रखी हुई खाद है। ये खाद मैं मिला देती हूँ अच्छी तरह मिट्टी के अंदर। 30:70 का रेशियो रखूंगी फ्रेंड्स, जैसे 30% खाद और 70% मिट्टी, लगभग अंदाजे से, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो जैसे अंदाजे से लगे कि खाद बहुत हो गई है तो मैं तो इस तरह से ही बना लेती हूँ। तो ये बन रही है, तो ये भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स थोड़ी सी खाद, और केचुए की खाद है, जैविक खाद, कंपोस्ट। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मींस केचुए से बनी हुई खाद। तो अब आती है बारी गिट्टिक बनाने की। तो ये टेल्स पड़े थे तो मैं टेल्स उठा के लेके आई। तो अब भरते हैं बराबर फ्रेंड्स। अब ये आते हैं छोटे छोटे गमले फ्रेंड्स, तो इनको भर लेती हूँ पहले मिट्टी, क्योंकि ये जो बड़े वाले गमले हैं फ्रेंड्स, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो गमले हैं ना इनको रिपॉट करूंगी, इनको मैं जो नए प्लांटर्स लाई हूँ ना उसके अंदर लगाऊंगी। ठीक है, तो अब इनके अंदर भर लेती हूँ पहले। तो ये है मेरे सबसे बेस्ट प्लांटर्स जो मैंने बंजारा से लाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था फ्रेंड्स। ये मुझे 100 रुपीज का मिला था और ये मुझे 50 रुपीज का। इस प्लांटर को मैंने अपने वीडियो का शो स्टॉपर बनाया था। तो अभी तो खैर मिट्टी भर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो पहले मैं इसको रिपॉट करती हूँ। देखिए, ये ना प्लास्टिक का गमला है, तो आप देख सकते हैं एक तो प्लास्टिक के गमले में जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो इतनी अच्छी खास नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी जो ब्रीथ लेवल होता है प्लांट का वो बहुत कम हो जाता है। और साथ के साथ ये जो प्लास्टिक के गमले बहुत पुराने हो गए हैं और मैं अब इनको दोबारा पेंट करके सही नहीं करना चाहती, तो मैं अब इसको करूंगी रीपॉट इन बंजारा मार्केट प्लांटर्स। तो इसको करूंगी इसके अंदर रीपॉट। तो ये हो गया है फ्रेंड्स गमला तैयार। तो लीजिए, आ गया है मेरा सबसे प्यारा गमला जो है मेरा तबला। तो अब करती हूँ इसके अंदर रीप्लांटिंग। तो ये है, देखिए केन पाम है ये फ्रेंड्स, हमें इसे प्लास्टिक के गमले में था, तो प्लास्टिक के गमले से निकालना बहुत मुश्किल हो गया, मैंने इसको तोड़ के निकाला है। तो अब करती हूँ इसकी रीप्लांटिंग। तो थोड़ा थोड़ा इसको यहाँ से मिट्टी छाटती है और अब इसको इसके अंदर लगा रही हूँ। तो इस तरीके से लगा लिया है और साइड में थोड़ा थोड़ा जो गैप है उसमें मिट्टी भर देती हूँ। तो
तो हो गया है ये गमला तैयार। तो अपने आप ही चीनी मिट्टी में लगा के गमलों की सुंदरता बढ़ जाती है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि अगर आपके कोई प्लास्टिक के गमले हैं तो आप भी उन्हें दोबारा से रिपॉट कर लें। दोबारा से आप इस तरीके से बंजारा मार्केट से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको पॉट्स प्लांटर्स मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स इन प्लांटर्स का कि इनको आपको बहुत ही मतलब आपको ना तो इनको पेंट करना है ना ही इनका कोई ज्यादा खास रख रखाव है। आप हल्के से गीले कपड़े से पोंछ देंगे आपका बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। कोई इसकी डीप कलर नहीं होते हैं और काफी आप समझ लीजिए बस थोड़ा सा हैंडल विद केयर है, थोड़ा सा आप इसको संभाल के एक जगह पे रखिए, बार बार इसको रीएडजस्ट या रीशिफ्ट ना करें क्योंकि तो थोड़े से नाजुक होते हैं क्योंकि आप जानते हैं चीनी मिट्टी के हैं। तो बस और तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैं अब कर दूंगी सारे प्लांट्स को रिपॉट जो ऑलरेडी मेरे प्लास्टिक के प्लांटर्स में है। तो अब लगा रही हूं अपने बुद्धा के अंदर मैं क्रोटन का प्लांट। ये क्रोटन भी सदाबहार होते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको बस स्लाइटली इनकी केयर रखनी पड़ती है गर्मियों में क्योंकि ये थोड़ा स्लाइटली इनको गर्मी आप कम पसंद है, थोड़ा शेडो में रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये लाई हूं मैं स्पेशली बुद्धा के लिए। थोड़ी सी नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटाऊंगी ताकि जड़ें इसकी फैल सके। ये लग गया है और थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए साइड में मिट्टी। तो लीजिए हो गए हैं बुद्धा जी तैयार। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। अगर आपको इसके अंदर क्रोटन पसंद आया तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये लगा रही हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर विंटर प्लांट्स। तो इस तरीके से ये गया एक पौधा, दूसरा भी गया। तो अब ये लगा रही हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर। तो ये लगा रही हूँ फ्रेंड्स मनी प्लांट की एक वैरायटी है। तो इसको मैं लगा रही हूँ जो मैं 6 to 7 inches के जो मैं प्लांटर लाई थी उसके अंदर। तो काफी सारी विंटर पॉट लेके आई हूँ, उसकी भी मैंने एक शूट करी है, वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से इस समय विंटर प्लांट्स आ रहे हैं। अगर आप लेके आते हैं बंजारा से प्लांटर्स तो आप इस तरह के पौधों को जरूर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाला जो पौधा है ये विंटर प्लांट नहीं है, ये आपका कह सकते हैं ये आपका 12 महीने एवरग्रीन कह सकते हैं। तो ये उस तरह का पौधा है। तो देखिए तो ये लग रहे हैं एक एक करके फ्रेंड्स पौधे। तो आपको लास्ट में दिखाती हूँ मैंने कितने सारे। तो लीजिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं आपको अपनी बालकोनी का हाल। तो ये सारे जो प्लांटर्स है जो नए हैं इसमें कुछ पुराने प्लांटर्स हैं। तो एक बार आप देख लीजिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी बालकोनी का मेकओवर नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैंने इन सारे गमलों को एडजस्ट किया है। एक चीज़ और दिखाऊंगी फ्रेंड्स, देखिए अगर आपके पास जगह कम है तो आप इस तरीके से देखिए इस तरीके से अपनी रेलिंग के आगे एक एक्सटेंशन लगा सकते हैं गमलों के लिए। देखिए मैंने इस पे ग्रास बिछाई हुई थी तो आप देख रहे हैं, देखिए ग्रास कितनी गंदी हो गई है। अभी सारे गमले मैंने हटाए हैं, उन सारे गमलों को हटा के मैं उनमें थोड़ा सा उनके पत्तों को धोकर और फिर उसके बाद उन सेरेमिक के पॉट्स को पूछ कर इन ग्रास को झाड़ कर फिर इसमें लगाऊंगी। तो ये तो मैंने झाड़ के बिछा दी है। ये देखिए ये बिछ गई है ग्रास। अब लगेंगे इनमें गमले। पहले मैं आपको गमले दिखाऊंगी कौन कौन से गमले मेरे पास हैं। तो ये वाला गमला
इसके पीछे जो एक गमला और है वाइट कलर का, ये भी मैं बंजारा से लेके आई थी और इसकी कीमत थी, कॉस्ट थी 25 रुपीज़ में दो। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हल्का सा डिफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी, हल्की सी जैसे किनारी टूटी हुई है इस तरह का डिफेक्ट था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो प्लांटर जो मैं लेके आई थी, इसके अंदर मैंने लगाया स्नेक प्लांट, दिखाती हूँ आपको, दिख रहा है? तो ये रीप्लांट करा है मैंने, ये पहले किसी और प्लास्टिक के गमले में था तो इस तरीके से रीप्लांट किया है। फ्रेंड्स, सेम जो मैंने आपको गमला दिखाया था, तो ये देखो, ये वाला और ये वाला सेम था टाइगर प्लांट। तो देखिए मैंने इसमें क्या लगाया, तो ये जो है ये पौध मैंने नई लगाई है, ये पौध वही है जो मेरे पुराने गमलों में लगी हुई थी, उसको बस मैंने रीपॉट किया है सिर्फ। तो देखिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि जो मेरे पहले बंजारा के प्लांटर्स हैं वो किस तरीके से हैं और उनमें किस तरीके की खूबसूरत पौध लगी हुई है और किस तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह की बत्तख आपको मिल जाएगी बहुत आराम से, बहुत आराम से इस तरह की बत्तख आपको मिल जाएगी। तो ये है वो बत्तख, देखिए दिख रही है आपको फ्रेंड्स बत्तख, तो इस तरह की बत्तख है। और इस तरह की बत्तख में देखिए मैंने किस तरह का प्लांटर लगाया हुआ है और किन खूबसूरती से ये प्लांट चल रहा है। एक बत्तख ये थी, एक बत्तख फ्रेंड्स ये है, ये देखिए इसमें स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको, बत्तख है क्या है ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स क्या बना हुआ है। तो ये है इस तरह की, दो मैं लेके आई थी, तो देखिए कितना खूबसूरती से इस पर प्लांट लगा हुआ है, स्पाइडर प्लांट कितना खूबसूरती से चला हुआ है। तो चीनी मिट्टी अपने आप में ही बहुत बढ़िया होती है, ब्रीथ करवाती है प्लांट्स को। ये देखिए इस तरह की मैं 5 लेके आई थी प्लांटर्स, इस तरह के 5 प्लांटर्स लाई थी। तो ये देखिए इसका डिफेक्ट दिखाई दिया आपको, तो इस तरह का डिफेक्ट होता है फ्रेंड्स, इस तरह का डिफेक्ट होता है जो आपको जनरली बहुत सस्ते आपको फिर प्लांट्स मिल जाते हैं, प्लांटर्स मिल जाते हैं। ये 25 रुपीज़ का मिल गया था, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही मजबूत है। बहुत सारी प्लांटर्स मेरे पास पहले के हैं, ये देखिए इसमें भी दिखाती हूँ, डिफेक्ट दिखाती हूँ पहले आपको, ये देखिए दिखा फ्रेंड्स, इसलिए ये 25-25 रुपए के मुझे मिल गए थे। ये देखिए, तो इसमें मैंने लगाया हुआ है स्पाइडर प्लांट की वैरायटी, तो आप देख सकते हैं हाथ देखिए फ्रेंड्स कितने गंदे हो गए। तो कोई बात नहीं, जब आप इस तरह के काम करते हैं तो जनरली, ये देखिए ये रहा सेम, दिखा आपको फ्रेंड्स, ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाया हुआ है मैंने, दिख रहा है? देखिए इस तरह के गंदे हो जाते हैं आपके प्लांटर्स ना, बस इसको आपको करना क्या है, आप इसको अच्छी तरह से गीले कपड़े से पूछ लीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएंगे। कोई रीपेंटिंग की जरूरत नहीं है, देखिए ये रहा एक प्लांटर। तो इस तरह के थोड़ा सर्दी में आपके पौधे जो है ना वो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा अपनी खूबसूरती खो देते हैं, सीजनल प्लांट जो होते हैं वो अच्छी तरह से चलते हैं। तो ये हैं कुछ, तो डेफिनेटली अगली वीडियो में आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से इनको अरेंज करूँगी और किस तरीके से मेरा बालकोनी का फाइनल लुक आता है। तो आप बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ मेरे चैनल में जिसका नाम है डेकोर होम विद मेघा। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, मैं अपनी बालकोनी का मेकओवर दिखाऊँगी आपको। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।